कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो हम लोग रेडी हो गए हैं, अभी 8 नहीं बजे हैं, जल्दी ही रेडी हो गए हैं क्योंकि 8:15 बजे का मुहूर्त था ना। तो फिर हम लोग सोचे चलो जल्दी से आराम से रेडी हो जाएंगे। और ये मैंने सिंपल सी साड़ी पहनी हुई है क्योंकि अभी हैवी साड़ी में से बिल्कुल भी नहीं पहन जाती है, इतना भी मुझे हैवी लग रहा है सर बताऊँ। लेकिन बस वही है ना कि इतना बड़ा साल का फेस्टिवल है तो ऐसे ही एकदम सिंपल सा जाने भी नहीं दे सकते हैं, थोड़े बहुत तैयार होना तो बनता है। और हेयर स्टाइल भी मैंने सिंपल ही रखी है, कुछ ऐसे राउंड राउंड करके क्लिप लगा ली है, दैट्स इट। तो वो भी रेडी हो गए हैं, ये भी रेडी होकर के आ रहे हैं, फिर इसके बाद फटाफट हम लोग पूजा करते हैं। और पूजा दीदी भी रेडी होकर के खड़ी है, और ये दोनों भाई सबसे लास्ट में तैयार हो रहे हैं, ये भी तैयार हो गए हैं। और कुर्ता पैजामा काला कहाँ है? तो कुर्ता पैजामा वाले भी निकल आए हैं। सबसे अच्छा डेटा तो तुम्हारा ही लग रहा है, तुम्हारे सामने तो हम सब फीके हो गए। ये देखो दोनों भाई सेम वीडियो में ना, जब दोनों लोग साथ में दिखते तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि समझ में ही नहीं आता कौन, मतलब ना दोनों बहुत मिलते हैं तो सच में इनका और नरेंद्र भैया का फेस काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। और चले अभी चलते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, फिर दिए जलाते हैं, फिर इसके बाद फुलझड़ियाँ लेकर के आए हैं तो फुलझड़ियाँ छुटाएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेकर के आए। मिल भी नहीं रहा है, यहाँ बैन है, और लेकर के भी नहीं आए हैं, पता नहीं मिल रहा है कि नहीं, छोटी हो। और अभी अब मैं मंदिर में आ गई हूँ तो पहले सारा मैं सामान सेट कर लेती हूँ, इसके बाद फिर ये सब लोग भी आ जाएंगे, पूजा कर लेंगे। और अभी से ही सब आकर के बैठ जाएंगे ना तो उतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं है, तो पहले बोला कि पहले मैं अच्छे से सारी तैयारी कर लेती हूँ मंदिर की, फिर जब पूजा करना होगा तब मैं बुलाऊँगी। और बस सारी तैयारी क्या करना है वो तो मैंने शाम के टाइम पर ही ऑलरेडी सब कुछ कर दिया था, बट हाँ वही दिए वगैरह सेट करना और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वही सब कर रहे हैं। और बहुत प्यारा लग रहा था मंदिर, हम मंदिर जब भी ऐसे सजाते हैं ना, कुछ भी ऐसे टाइप का फेस्टिवल आता है तो बहुत प्यारा लगता है। और इस बार तो गेंदा के फूल ले आए थे ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, चौकी बहुत भरी भरी सी लग रही थी। पूजा हमारी हो गई है और अभी आरती कर लेते हैं, इसके बाद फिर दिए वगैरह जलाएंगे। वैसे तो हमने दिए की थाली लगा करके सारी रख लिया है, बस उसमें दिए जलाना है। और हमने सोचा था ना कि पहले पूजा पाठ कर लेंगे, इसके बाद ही बाहर डायरेक्ट दिए रखेंगे तो अच्छा लगता है ना, वहीं पे पटाखे वगैरह जलाओ और दिए भी जलते रहते हैं तो अच्छा लगता है। और अभी बैक कैमरे से मैं आप लोग को दिखा देती हूँ लक्ष्मी गणेश जी की चौकी, इतनी प्यारी लग रही थी ना कि नज़रें नहीं हट रही थी। और ये मूर्ति भी लक्ष्मी गणेश जी की बहुत प्यारी लग रही थी, और ऊपर से जब पूरी पूजा पाठ हो गई ना तो बस मन कर रहा था इनको चुपचाप देखे जाओ, बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी बस हमारी पूजा पूरी ख़त्म हो गई है तो चलते हैं, अभी बाहर दिए वगैरह जलाते हैं। यहाँ की हमारी पूजा हो गई है और हमारे भगवान जी इतने सुंदर लग रहे हैं ना कि नजरें नहीं हट रही है मेरी गणेश जी और लक्ष्मी जी से, इतने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। और ये गेंदा के फूल ना सबसे ज्यादा चार चांद लगा दिए हमारी चौकी है, तो अच्छा हुआ ये लोग इतने सारे माला लेकर के आ गए थे। और अभी अब चलते हैं बाहर तो दिए वगैरह जलाते हैं, क्योंकि दिए हमने पहले नहीं जलाया था, हमने सोचा पहले पूजा करेंगे बाद में फिर दिए रखेंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ी देर तक जलते रहेंगे। तो अब अभी चलते हैं रंगोली के पास, दिए रखते हैं और थोड़े बहुत जो झालर के अलावा जगह बची हुई है वहाँ भी रखते हैं। तो चलते हैं अभी, और पूजा हमारी हो गई है, मेन दिवाली में देखो पूजा ही होती है, पूजा पटाखे खाना पीना यही सब होता है, तो पटाखे वगैरह तो हम नहीं छुटाएंगे, बस फुलझड़ियाँ जो लेकर के आए वही छुटाएंगे। नहीं हाँ एक दिया जला लेना।
जल जाएगा। तो पूजा यहाँ पे दिए जला रही है, तो चलते हैं फिर, और ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको, तो चलते हैं ये वाले दिए जला ले यहाँ से ही, अंदर से ही जला करके ले चलेंगे बाहर और रख देंगे। दिए हमने सारे अंदर जला लिए हैं और अभी बाहर आकर के सबसे पहले हम रंगोली में ही रखेंगे दिए। भाई इतनी मेहनत से बनाए हैं तो सबसे पहले रंगोली में ही रखना बनता है, और वैसे भी रंगोली के पास ना दिए जब रख जाते हैं तो बहुत सुंदर लगने लगता है और भी ज़्यादा खिल करके आ जाती है। तो बस अभी रंगोली के पास रखेंगे, फिर इसके बाद जो दिए बचेंगे कुछ हमने अंदर रख दिया है और कुछ बाहर रेलिंग में रख देंगे, जहाँ जहाँ लगेगा कि झालर थोड़ा दूर है, क्योंकि झालर को भी प्रोटेक्ट करना है, पता चले कि हम लोग इधर उधर रख करके चले जाएं और झालर ही जलने लग जाएं, तो इस वजह से थोड़ा सा दूर दूर में रखेंगे। और दिए रखने के बाद रंगोली और भी ज्यादा कितनी सुंदर लगने लगी है ना। अभी मैं बाहर का नज़ारा भी आप लोग को दिखा देती हूँ अच्छे से, तो मैंने अभी तक दिखाया ही नहीं था। पूरा का पूरा मोहल्ला ना दुल्हन की तरह सजा हुआ था, और हर जगह ऐसे ही होता होगा, लेकिन हमने सच बताऊँ पहली बार ऐसी दिवाली देखी है, क्योंकि इतने ज़्यादा पटाखे छूट रहे थे और इतनी ज़्यादा डेकोरेशन, ऐसे तो मतलब मैंने पहली बार ही देखा है। हम लोग की साइड भी होता है, ऐसा नहीं है, बट इतना ज़्यादा नहीं। यहाँ तो ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा आपको जहाँ झालर ना लगी हो, और बहुत अच्छी अच्छी वाली झालर तो पूरा का पूरा ना दुल्हन की तरह दिख रहा था। हम लोग थोड़ी देर के लिए अंदर आ गए थे, इतने ज्यादा पटाखे छूट रहे हैं ना यहाँ की, पता नहीं मेरी आवाज भी आ रही है यार। ऐसी दिवाली मैंने पहली बार देखी है। हम लोग की साइड भी होता है, लेकिन इधर साइड तो मतलब सिटी में ना अलग ही क्रेज है दिवाली का, क्योंकि घर भी आपको मैंने दिखाया कितना ज़्यादा सजे हुए हैं, और पटाखे तीन चार दिन पहले से ही छूटे जा रहे हैं, और आज तो बिल्कुल आतंकी मचा रखे हैं। मेरी आवाज़ भी पक्का बिल्कुल नहीं आ रही होगी, क्योंकि इतने ज़्यादा पटाखे छूट रहे हैं और अच्छा लग रहा है सच बताऊँ तो, कानों में वो पटाखों की आवाज़ आ रही है ना, तो अच्छा लग रहा है कि हाँ फेस्टिवल है। और फेस्टिवल मुझे कुछ भी आइडिया नहीं, मैं बोले जा रही हूँ, पता नहीं मेरी आवाज़ आ भी रही है नहीं। क्या हुआ, फसलते हैं अभी। अब हम लोग खाना खाते हैं, हमारा दिवाली वाला बाहर वाला सेलिब्रेशन हो गया है, और इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, इतना ज़्यादा धुआं है ना, कि वो नुकसान करेगा मेरे लिए और ज़्यादा नुकसान करेगा। मैं अंदर ही चलती हूँ और चल के कचौड़ी बनाते हैं गर्मा गर्म और खाना खाते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे थोड़ी देर, फिर बाहर आकर के घूमेंगे। पहले खाना वाना खा लेते हैं, फिर बाहर घूमेंगे। क्या हुआ, भूख लग रही है? चलो तो चलो चलते हैं, हम लोग खाना वाना खाते पीते हैं। उधर से वो एक प्लेट दीजिए पीली वाली। एक एक दो 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 एक
कचौड़ी हमने निकालना स्टार्ट कर दिया है, और सारा खाना तो पहले ही बन गया था, बस कचौड़ी गर्मा गर्म निकालते जा रहे हैं, ये लोग खाते जा रहे हैं। और अभी मैं आप लोगों को खाना भी दिखाती हूँ। खाना वही है जो फेस्टिवल में बनता है, या तो छोले बना लो या तो पनीर बना लो, कचौड़ी पुलाव, तो वही सब बना हुआ है। तो चलो अभी अब मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।